जो पावर में है तो इसलिए इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। बारह तो इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा शानदार फैसला वार्डर के लिए दिया, इंट्रा कोर्ट ने भी दिया, सिंध हाई कोर्ट ने भी इनको रिजेक्ट किया। अब इलेक्शन कमीशन 23 को फैसला है और बजाहिर इनकी आपके तायात नाइली है और जो है वो कहते हैं कि आपके इमरान खान साहब और दूसरी जगह है और लोगों के दरवाजे और खटखटा खटा के फैसल वार्डर साहब थक गए हैं। 19 के बाद अब शायद उन जो दरवाजे वो खटखटा रहे हैं वो खुल नहीं रहा है। ये चीज है और इसका फैसला कब आ जाएगा 23 को पता चल जाएगा, क्योंकि ये केस इतना क्रिस्टल क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन ने 23 तारीख दी है, तायात नाइली बनती है, जो कानूनी माहिरीन कह रहे हैं दिया गया है, माजी में दिया गया है लोगों को, और अगर इसमें कोई भी रद्द बदल हुई तो लोग समझ जाएंगे कि जनाब अली पीछे ये दरवाजे शायद खुल गए हैं, कुछ और सिलसिले शुरू हो गए, लेकिन उम्मीद है कि अब ऐसा नहीं होगा। अदालतें भी फैसला दे रही है। देखिए 21 का फैसला मरियम नवाज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ नहीं है नैब के पास और नैब ने जो भी केसेस बनाए हैं वो सबको बता भी दिया है, नैब के ही लोगों ने बता दिया है कि किस बुनियाद पर बनाया, उनके पास क्या है, और खुद अदालत को उन्होंने वो ये बातें रिकॉर्ड कर चुके हैं कि हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। अब देखते हैं कि अब आपके नैब जो है वो किस तरीके से वहां पर इधर उधर होता है या वाकई उन पर भी दबाव खत्म हो गया है और वो फैक्ट एंड फिगर सामने लाके खड़ा कर देंगे और फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए बहुत बड़ा टेस्ट केस होगा कि वो मरियम नवाज को जो कि ऑलरेडी जमानत दे चुके हैं और इस केस पे मरियम नवाज का केस बनता नहीं है, मोस्टली जो लोग हैं वो एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि वो फारिग हो जाएंगे, तो ये भी टेस्ट केस है। आजम स्वाति साहब ने माफी मांग ली, लेकिन जो लोग कानूनी माहिरीन है वो कहते हैं अगर इस तरह माफी से आजम स्वाति को माफी किसी सूरत में नहीं दी जाएगी, कानूनी तौर पर जो रास्ता कानून का बनता है वो माफी मांगे आप चले, मेरा आपका जाति रंज वो खत्म हो गया, लेकिन कानून जो है वो अपना रास्ता बनाएगा। आजम स्वाति साहब की भी तायात नाइली है जो कि क्रिस्टल क्लियर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब कानून अपना रास्ता बनाएगा तो उनकी तायात नाइली है, मैरिट अपना रास्ता बनाएगा तो तायात नाइली है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को पाकिस्तान के इदारे और अदालतें बताएंगी कि नहीं यहां मैरिट पे फैसला होता है तो वो अपने फैसले तब्दील करें, यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल, लेकिन उसके लिए इदारों को और अदालतों को मैरिट पर फैसला करना पड़ेगा, इस इदारे को बचाना पड़ेगा और आपके इन इदारों को, सिर्फ एक इदारे इन इदारों को बचाना पड़ेगा। इसी तरह फवाद चौधरी का केस है, फवाद चौधरी के केस में कोई बहुत ज्यादा उनका मेरा ख्याल है उनके ऊपर शोकाज नहीं है, तो शायद उनकी माफी किसी और हवाले से छोटे मोटे मैटर से मसला हल हो जाए, लेकिन आजम स्वाति साहब की तायात नाइली बनती है जो कानूनी माहरीन और जो एक्सपर्ट्स हैं आपके इलेक्शन कमीशन के खासतौर पर कमर दिलशाद साहब वो क्लियर कहते हैं कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है और इलेक्शन कमीशन ने इससे